सिर्फ इसकी ऑफर नहीं कर रहे साथ हमको कंपैरिजन भी कर रहे हैं V8 लैंड क्रूजर का। चोलिस्तान बसाना चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम बॉयज, तो क्या हाल चाल है, वेलकम बैक टू द व्लॉग। सबसे पहले माजरा यार, बहुत अरसे के बाद यूट्यूब पे आ रहे हैं और सीन कुछ इस तरह का कि आपके भाई ने जिम शिम स्टार्ट कर दिया हुआ है तो थोड़ा वहाँ पे भी ध्यान था, तो इस वजह से व्लॉग थोड़े इरेगुलर हुए। आपको फील फ़र्क हो रहा होगा, फील हो रहा है कि नहीं हो रहा आप लोग कमेंट से बताओ, क्योंकि फ़र्क तो भाई बहुत पड़ा है। अच्छा, ओवरऑल जो फेस है उस पर भी फ़र्क पड़ा है और शोल्डर्स बाइसेप वगैरह सब कुछ फ़र्क पड़ा है। इंशाल्लाह 3 महीने तक देखना आपके भाई की बॉडी पप्पू किस्म की हो जाएगी। अभी का सीन ये है आज का, जैसे कि आप टाइटल वगैरह तो देख लिया होगा, तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि हम रेवो की ऑफ रोडिंग हमने पहले की थी, लेकिन मैं भी मानता हूँ इस बात को जो हमने की थी ना वो ना होने के बराबर ऑफ रोडिंग थी। तो मैंने कहा अब आपको ज़रा एक्सट्रीम किस्म की ऑफ रोडिंग दिखाते हैं। कोशिश तो यही आज की कि एक्सट्रीम हो जाए, अब देखते हैं कि हो सकती है कि नहीं हो सकती, कैसा रूट मिलता है हमें, क्या मिलता है। और साथ हम सिर्फ इसकी ऑफ रोडिंग नहीं कर रहे हैं, साथ हम कंपैरिजन भी कर रहे हैं V8 लैंड क्रूजर का और रिवो का। इसको ज़रा स्टार्ट कर दें, इससे पहले कि जो है ना इसका जो इंजन है वो ठंडा ही रहे। ओए होए होए होए, बड़ी गंदी हुई, इसकी सफाई भी होने वाली है। स्टार्ट करते हैं, एक दफ़ा इसका इंजन गर्म हो जाए उसके बाद जो है ना इसको ले कर चलते हैं और आपको आज की ऑफ रोडिंग चेक कराते हैं। अमन से मेरी बात हो गई थी, वो भी रेडी है, गाड़ी गर्म कर रहा है। मेरी भी गाड़ी गर्म होती है जैसे ही इंजन थोड़ा नॉर्मल होता है। इसको निकालते हैं और पहुंचते हैं अमन की तरफ, उसकी वेट को निकालते हैं और पहुंचते हैं ऑफ रोडिंग ट्रैक पे, जहाँ रिंग रोड का काम चल रहा है वहीं जाएंगे, आपको जाके आज का शोल चेक कराएंगे। चलो जी यार निकलिए, सबसे पहले इलांट्रा मैडम को बाहर खड़ा करते हैं, उसके बाद इसको निकालते हैं और पहुँचते हैं अपनी लोकेशन पर। पहले अमन के घर चलते हैं, उसके बाद वहाँ से आके पहुँचेंगे BNU के पास जहाँ पर रिंग रोड का काम हो रहा है ऑफ रोडिंग ट्रैक के ऊपर। इसको स्टार शूट करके बाहर निकाल देते हैं साइड पे, ताकि इजीली अपना डाला निकल जाए। इसका देख लो यार, इतना कुछ हमने करा लिया, बता कि इसका नाम ही नहीं हमारे फाइनल हो रहा, तो आप लोग कमेंट्स में बताओ यार कोई मज़ेदार नाम, बोरिंग बोरिंग कोई नहीं जो बाकी उन्हें रखे हुए हैं, कोई नया यूनिक नाम बताओ इसका। चलो जी यार इसको सर निकालें बाहर पहले। चलो जी आ जाओ जी, आ जाओ जी। चलो जी यार निकलिए, देर शेर काफ़ी हो गई हुई है, आ जाओ जी। इंजन भी कुछ बेहतर हो गया है, और असल में सीन ये है कि पहले हमने देखो मौसम कितने मज़े का हो गया, क्लाउडी सा। पहले का सीन ये है कि पहले हमने जाके ये ऑफ रोडिंग दिखानी है आपको, अब ऑफ रोडिंग हो जाती है फिर वापस आएंगे, हमारे कुछ दोस्त वगैरह आ रहे हैं, अमार भाई, एहसन भाई और तहा भाई, अमन भी शायद जाए, तो वो सारे वहाँ से आ रहे हैं जोर टाउन से। आज है BNU में फेस्टिवल, फेस्टिवल होता है 3 दिनों का, फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे, तो आज फर्स्ट डे आज हमने जाना है, तो इससे पहले हम ज़रा ऑफ रोडिंग आपको दिखा दें, फिर आपको आपको वहाँ के भी सीन चेक कराएंगे। ये चेक कहें जी हम आ गए हैं अमन जी घर ऑफ रोडिंग, भाई क्या करते हो आज, टायर फट गया ना तो टायर आपके ऊपर है। ओए ओए ओए, नहीं हम ऐसे उस पर ट्रैक पर नहीं जाएंगे ना जहाँ पे पत्थर होंगे। आज हो जाए मुकाबला वर्सेस लैंड, हाँ आज हो निकालो, देर होगी क्योंकि आगे वो फेस्टिवल भी जाना है, उसका भी देर बहुत होगी हुई है, 5 बज गए, वो कहें 5:30 बजे एंट्री खत्म होनी है, और अभी जाकर हमने ऑफ रोडिंग करके फिर दोबारा आके हमने गाड़ियाँ खड़ी करनी है और हम ऊबर लेके जाएंगे, क्योंकि ऊबर वाला सीन ज़्यादा ईजी है, वहाँ पर पार्किंग का बहुत बैड सीन है, गाड़ियाँ सारी बाहर खड़ी हुई हैं, तो बेहतर है ऊपर आना जाए सुकून से, गाड़ी की भी टेंशन नहीं, अंदर एंजॉय करें और वापस आ जाओ। और भी कुछ बॉयज आ रहे हैं, सब ने आना है, बस पहुँचते हैं लोकेशन पे जाके ऑफ रोडिंग आपको चेक कराते हैं, फिर वहाँ से आके थोड़ा सेटमेंट हो के फिर जाएंगे हम क्या कहते हैं फेस्टिवल पे। चलो निकले फुल भाईजान, प्रोटोकॉल सीन चल रहा है यहाँ पे, V8 के पीछे डाला वो भी हैमर वाला। अब जो यार मेन बात है ना वो ये है कि हमने कोई लोकेशन देखी नहीं है जो ज़रा मज़ेदार किस्म की हो, ज़रा प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाली हो। पहले तो हमने शुगर लगाया था, आप लोगों ने भी कहा था कि भाई ये क्या शुगर लाई ऑफ रोडिंग है ये क्या है, बात भी सही थी क्योंकि हम अकेले थे यार, शुगर वाली बात कोई थी नहीं, इसमें मज़े का सीन था नहीं। तो अब ये है कि दो गाड़ियाँ हैं ना ज़रा, तो कंपैरिजन मज़े का हो जाएगा, कोई जगह देखते हैं कि कौन सी बेस्ट रहती है, कहीं कीचड़ कुचड़ होना तो कपड़े गंदे होने के चांसेस तो हैं, लेकिन ये है कि शुगर लग जाएगा आज के ब्लॉग में। देख लेते हैं अभी चल के लोकेशन कोई, हम आ तो गए उस एरिया पर जहाँ रिंग रोड का काम चल रहा है, अब बारिश हुई होती ना तो हर जगह कीचड़ होना था, तो वो तो बड़ा ही नेक्स्ट लेवल सीन था, लेकिन देखते हैं वो लोकेशन हमें इंशाल्लाह मिल ही जाएगी। लो बॉयज यार एक लोकेशन हमें मिली है, लोकेशन आपको चेक करा देते हैं, ये चेक करें। हाँ भाई क्या कहते हो, अगर यहाँ घुसा देना क्या बनेगा सोचो भाई यार, अगर फंस गए तो एक गाड़ी पहले घुसा लो, एक गाड़ी ना, एक बंदे एक बंदा आगे जाके वीडियो बना लेगा ना गाड़ी की, एक गाड़ी घुसे बारी बारी, तो इसको फुल लिफ्ट किया हुआ ऊपर हाइट, नहीं ये भी तो नॉर्मल है। अच्छा और ऊपर हो जाएगी, करके दिखाओ। लो जी एयर सस्पेंशन आपको चेक कराते हैं, लैंड क्रूजर की ओरिजिनल,
हमने तो आफ्टर मार्केट लगाई हुई है, इसमें ओरिजिनल आती है माशाल्लाह। अब देखते हैं क्या सीन है, कब तक जाएगी चेक करें जी। फील हो रहा है अच्छी खासी जा रही है ऊपर, वो बैक का व्हील कैप चेक करो। हाँ वो देखो अच्छी खासी जा रही है यार, बेहतरीन हो गया, फर्क देखो कितना आ गया ऊपर हाइट का भाई। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देख, वो देखना उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी। हाँ नहीं ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और बम्पर भी अच्छा खासा ऊंचा आ गया आगे से। हाँ बाकी भी है कि बारी बारी पहले इसको गुजारते हैं फिर इसको गुजारते हैं, ये पहला हमें एक स्पॉट मिला है तो देखते हैं क्या बनता है। लग रहा है फंसे ना, अगर फंसी तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर टो करना पड़ना है। चलो देखते हैं क्या सीन है। हाँ वीडियो बना, वीडियो बना। हाँ ठीक है, अमन चला गया वहाँ पे, हम इसका ज़रा 4x4 मोड ऑन करते हैं। ये है H2, जब टू व्हील्स पे होती है पिछले रियर व्हील पे, ये H4 हाई स्पीड पे 4 व्हील, ये लो स्पीड पे, तो हम इसको करेंगे न्यूट्रल कर दिया हुआ है, हम इसको करेंगे लो स्पीड पे 4 व्हील। साथ हम इसकी ट्रैक्शन ऑफ कर देते हैं, ट्रैक्शन ये ऑफ होगी, एक ऑटो दबाएंगे तो फुली ऑफ हो जाएगी। ये चेक करें जी, अब ज़रा निकालते हैं। अब आप देखोगे आगे के शॉर्ट्स के आगे क्या बनता है, हम तो यहाँ से ज़रा ऑफ रोडिंग करने लगे इसकी। तो यार आपने पहले एक शॉट देखा होगा रिवो जो गुजर के आई है, बतखें भी आ गई साथ, तो अब जो नेक्स्ट शॉट है वो वीएड का है। अब आपको वीएड चेक कराते हैं, रिवो तो माशाल्लाह निकल आई यहाँ से इजी होके, अब आपको जरा वीएड का जरा चेक कराते हैं ऑफ रोडिंग क्या सीन बनता है। आ रहा है ये तो फुल बीच से गुजार रहा है, इजी सीन, उसको देख लो। बतखों ने आके शोर डाल दिया है कि भाई किधर आ गए हो, ये हमारी जगह आप यहाँ अपना आपने यहाँ पे सीन शुरू कर दिया है। बाकी है कि अभी यहाँ से निकल रहे हैं और चलते हैं अमन के यहाँ एक और जगह ऑफ रोडिंग की, आपको ज़रा गाड़ी से तो चेक करा दिया है, अब इसको वापस कर देते हैं न्यूट्रल पे करके, H2 पे आ गई, और अब चलते हैं दूसरी लोकेशन पे, आपको वहाँ जाकर दिखाते हैं कि अब वहाँ क्या सीन बनता है भाई। बस यहाँ पत्थरों से बच जाएँ, ज़्यादा सीन बैड ना हो पत्थरों वाला, बाकी सेट है। ये जगह भी है लेकिन ये इतनी गहरी है ना, यहाँ पे अक्सर भैंसें ना आ रही होती हैं और पूरी पूरी भैंस जो है ना वो पानी के अंदर गई होती गायब, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर सकते डेस्क भाई, यानी गाड़ी गंदी होनी है और पानी आना है गाड़ी के अंदर। तो अभी हम लोकेशन को बता रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ जाके देखते हैं कि कोई ये मज़े की लोकेशन होती है, वो भी आपको चेक कराते हैं। ये तो मज़े का सीन रहा यार, असल में दोनों गाड़ियाँ बड़ी पावर वाली हैं तो फंसने वाला सीन बनता ही नहीं है ना कोई। तो यार अमन आ रहा है अभी, गाड़ी यहाँ पे उसकी खड़ी कर दी है, अभी ज़रा आगे जाके देख के आते हैं कि आगे का ट्रैक कैसा है, एक गाड़ी पे फिर दोबारा दूसरी गाड़ी ले जाएंगे आगे, अभी आगे का देखें। आ जाओ भाई, तेरी गाड़ी में गारा इतनी ऊपर तक, तेरे हैंडल तक लगा हुआ है, गारा हैंडल के अंदर तक, वो टायर इस तरह के है ना, वो छाल के मारा बाहर सारा। तो आ गए हैं आगे, आगे भी दिखा वो देख, फुल ऑफ रोडिंग भाई, वो ऑफ रोडिंग ट्रेजर ट्रैक लग रहा है। लो ये चोलिस्तान रैली है, स्लिप हो रही है, स्लिप हो रही है, स्लिप हो रही है, स्लिप हो रही है, चोलिस्तान रैली पे आए गाइस, स्टॉक सस्पेंशन है इसमें, जेब ना कर, जेब ना कर, कूड़ी है गाड़ी, डर गई, डर गई। A few minutes later. यार मैं सोच रहा हूँ कि डाले को लेकर आते हैं यहाँ से, इसके ऊपर से टपाते हैं डाले को। हाँ सही नहीं है यार, ये कौन है टॉमी, चल यहाँ से वहाँ से लेकर आता हूँ, और यहाँ से तुम लोग यहाँ से वीडियो बनाओ सामने से आगे, इधर आ जाओ, इधर से बना दो आगे, टेले मारता वहाँ GTA की तरह। तो रुको जरा, सबर करो, मैंने मंड भी देनी है, मैंने सारा मिट्टी और मिट्टी हो जाना है। जेब यहाँ से सीधा चढ़ा, यहाँ से सीधा चढ़ा ऊपर, चढ़ जाएगा, और डाले में बहुत ज़्यादा, एक ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, बस तेजी से ना लेकर आ जेब, तेजी से ना लेकर, इधर से ला, इधर से ला, बाद में 4 व्हील कर लेंगे। अरे बस कर दे जेब, बस कर दे, फंस गए भाई, 4 व्हील में डाल,
ठहर जा डिफरेंशियल लॉक करने दे ठहर जा डिफरेंशियल लॉक करने दे डिफरेंशियल लॉक करने दे डिफरेंशियल लॉक कर दिए अब आराम से चढ़ जाएगा एक मिनट ठहर जा गाइस ये डाला फंस चुका है जेब में आगे लाने दे चढ़ जाएगा अब चढ़ा डिफरेंशियल लॉक है एक मिनट ठहर जा मुझे देखने दे गाइस आप देख सके सारा एक्सीडेंट हुआ ये बाइक वाले ने छीन लिया दरवाजा कौन है ये लोग गाइस ये एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग आज हो रही है डाले के साथ जब इधर ला इधर और इधर ला जनाब यार गाइस मैं खाते लैंड क्रूजर की बारी है चेक कर लेते हैं एक बार लो यार ये बड़ा खतरनाक जगह थी जहाँ से हमने गुजारा रिवो को लेकिन हमें टेंशन एक तो इसलिए नहीं थी देख रहे हो कितना गहरा गया ये सारी गहराई है और उसके हैमर के बम्पर है इसलिए हमें टेंशन कोई नहीं थी अब इसको मैं मना कर रहा हूँ कि इसका बम्पर टूट जाना है लेकिन फिर भी इसने करना है इसको मना कर दूँगा अगर लग रहा हुआ तो ओए भाई ना लेके आ तेरे बम्पर फारिग हो जाएगा चलो लाओ मैं बताता हूँ आने दे ओके 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 ले आ नीचे से ओके है तू लेके आ ओ हैवी भाई तेरा आगे से मसला था पीछे से बहुत ऊंचा है नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा है भाई तेरा वो सारा है ना ऑटो निकले फिर अब टेस्टिंग होगी सारी बड़े ये देख कितनी हमने गिराई कर दी यहाँ से हाँ हाँ वही सीन है ना हाँ उसको लिफ्ट करा लेंगे उसका वो सीन खत्म हो जाएगा गवर्नमेंट कह रहा है मैं पहले यहाँ से आया हूँ अब मैंने इस साइड से आना है और ये भी अच्छी खासी गहरी साइड है जब तक इसका बम्पर नहीं फारिग होना ना इसने सुकून नहीं कर वो दे भाई तेरा टायर एक हवा में हो गया है टेढ़ा हो गया टेढ़ा कर पीछे एक्सल टेढ़ा कैम्बर हो गया ओए 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 बेहतरीन अभी पता नहीं कहाँ से आना चाह रहा है वो देख करो जी शेरू तब से फिर रहा है किसका नाम शेरू रखा है सीक्रेट इधर लाना है जानी इधर से लाना है इधर कर दे अब उधर से तो आ गए हैं ये जानी ये बनी हाँ वही तो कह रहा हूँ आने दे सीधा इधर आने दे स्पीड से वो बसाना चाह रहा है आजा क्या हुआ है कर ले डिफरेंशियल वो चेक करें उधर से देखें और इधर से देखें अब इसका डिफरेंशियल लॉक कर रहा है ताकि स्लिप बिल्कुल ना करे देखते हैं उसके बाद क्या अभी स्लिप किया हल्का सा तो देखते हैं कि यार डिफरेंशियल लॉक इसमें आता है उसमें आता ही नहीं है ये लो जी अब मेरे हाथ से स्मूथली चढ़ेगा उधर का व्हील गैप चेक करो पीछे का ये क्या सीन हुआ भाई लेफ्ट कर और ओए स्टीयरिंग राइट लेफ्ट कर अमन स्टीयरिंग ऐसे ऐसे कर स्टीयरिंग ऐसे ऐसे कर भाई ऐसे ऐसे कर आ गया जी हाँ जी हाँ आप ये घूम रहे थे तीन ये ग्रिप में था एक
जल्दी निकलें, क्या सीन है आगे? हाँ चलो चलो यार, बस निकल रहे हैं, बाकी आपसे बैरिया पहुँच के मिलते हैं, रेडी शेडी होके आगे निकलना भी है, तो बैरिया पहुँच के आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, नेक्स्ट क्लिप में। ओके, अ फ्यू इंचेस लेटर यार घर आ गए थे, आपका भाई रेडी शेडी हो गया, आप चेक कर सकते हो फुल सेटमेंट होके। तो अभी का सीन ये है कि अभी हम लोग निकल रहे हैं, अमन को पिक करना है, उबर मंगवा ली है क्योंकि फेस्टिवल के बाहर सारी पार्किंग है, आपका भाई अपनी कोई भी गाड़ी डिस्काउंट नहीं करना चाहते यार, गाड़ी बाहर छोड़ दें कोई यकी हो जाए गाड़ी के साथ बाद में, तो कौन जिम्मेदार है, तो बेहतर है गाड़ी सुकून से घर में, हम उबर करवा दी, उबर राइड आ गई, बल्कि देर किए बगैर पहुँचते हैं, अमन को पिक करते हैं रास्ते से और सीधा आपसे फेस्टिवल पहुँच के मिलते हैं, देर काफ़ी होगी। ओके हाँ भाई जान, आ गए फाइनली, आप तैयार हो गए? सर जी बस थोड़ा सा लेट हो गया, चलो आज निकलते हैं फिर। हाँ जी आगे लोकेशन पे आपसे आप पहुंच के मिलते हैं। ये देखें जी मेरे, हम सबके पास पासेज हैं, मार भाई वगैरह के पास भी, इस बंदे के पास पास नहीं है, इसने मुफ्त में एंट्री कर दिया, इससे फेस्टिवल के लिए पास लेके एंट्री करना बनता है, भाई को समझाओ आप लोग, ये तो है कॉमेंट में समझाओ फेस्टिवल। बेटा बेटा तू एंटर हो जा फिर सेट है, एंटर हो जा एक दफा बस, बाकी भी बाकी बॉयज आ रहे हैं, उनके पास मेरे पास हैं, अमार भाई का और तहा भाई का और एहसन भाई का, सारे आ रहे हैं, फिर चलते हैं अंदर। लो जी अमार भाई की भी एंट्री हो गई है। हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, नजर कुछ नहीं आ रहा, फ्लैश बंद है, आप ना पार्किंग में आ जाएं, सामने आ जाएं, आ जाएं। अच्छा ये चेक करें जी, हाई लेवल की पार्किंग मिली यहाँ पे, सारी घासों घास, अमार भाई की गाड़ी खड़ी कर दी यहाँ पे, बस यहाँ से निकल रहे हैं और अंदर बेस्ट वे तक पहुँच के आपसे मिलते हैं, कार शार जो है हमने पकड़ लिया अपना, तो बाकी अंदर पहुँच के आपसे मिलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। हाँ जी अमार भाई फिर एंट्री हो गई है, और यार हम नहीं कराइए थे, बड़ी अच्छी एंट्री हो गई है, लास्ट टाइम बहुत रश था, इस तरह का इजी सीन है, इस तरह टाकरा भी हो रहा है ना, हाँ सारे आदमी तो चले गए बाकी है कि अंदर जाके आपको चेक कराते हैं कि क्या सीन है, खाना पीना किया होगा कि भूख लग रही है? मुझे तो लग रही है भूख भाई, सुबह का नहीं कुछ खाया हुआ, बाकी अंदर जाके आपको चेक कराते हैं कि क्या सीन है, क्या बात है, हैवी। चलो जी अंदर पहुंच के आपसे मिलते हैं। जन क्या हालात चल रहे हैं यहाँ पे? अकेले अकेले हम लोग आ गए हैं बीएनयू, अकेले अकेले, चलो कोई नहीं जाके एक कपल कपल, बाकी एंट्री होने लगी, अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है, एंटर होके आपसे, लोग हमारे पे शक कर रहे हैं, ये ना बताइए। चलो भाई अंदर जाके आपसे मिलते हैं। Two hours later. तो बॉयज यार फाइनली घर पहुंच गए हैं, मुझे उम्मीद है आपने आज का जो ऑफ रोडिंग का व्लॉग है वो इन्जॉय किया होगा, हम गए थे वहाँ पे फेस्टिवल पे, लेकिन यार वहाँ पे एक तो रश बड़ा था, तो व्लॉगिंग वाला सीन तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, ना तो आवाज़ आ रही थी, थोड़े से मैंने क्लिप्स अटैच किए थे, मुझे उम्मीद है आपने इन्जॉय किए होंगे, क्योंकि वहाँ पे इतना रश था, इतना शोर था, इतना सीन था कि भाई वहाँ पे व्लॉग बनाना तो मुश्किल काम था, अब मैं क्लिप्स अटैच कर सकता था जो मैंने कर दिए थे, और आप लोगों ने भी देख लिया होगा, आपसे जो जो आया हुआ था कमेंट कर देना, कुछ लोग मिले भी थे वहाँ पे, तो गुड सीन है, बाकी हमारा आज का व्लॉग अच्छा बन गया ऑफ रोडिंग का, मुझे उम्मीद है आपने आज की ऑफ रोडिंग इन्जॉय की होगी और पहले वाले से ज़्यादा मज़े थी, और गाड़ी का भी हालात देख लो क्या है, फुल मट्टी हो मट्टी, ये चेक करो जी, इतने इतने पत्थर पड़े हुए मट्टी के पूरे भरे हुए, गाड़ी वॉश करनी पड़ेगी, बहुत गंदी हो गई है। तो यार आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, खत्म, बाय बाय, टाटा।